प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के सहभागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता भाइयों एवं बहनों, यदि हम आज के पाठों को गौर करें तो हमें यह सही या सारांश मिलता है कि हम एक सच्चा दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते हैं। इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है? आज के पहले पाठों में पेत्रुस कर्नेलियुस और गैर यहूदियों से एक सच्चा मित्र के समान उनसे जाकर मिलते हैं, उन्हें अपना पैर स्पर्श करने से मना कर देते हैं। भाई ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे शर्मिंदा ना कर, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। यह व्यवहार उनके दिल को जीत लेता है। उनके ऊपर पवित्र आत्मा का वरदान उतर आता है और विभिन्न भाषाएं बोलने लगते हैं। यह है ईश्वर का प्रेम जो निष्पक्ष सबको अपना बराबरी का हक हमें दिलाती है। आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं कि ईश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर में प्रेम है। दूसरे शब्दों में महात्मा गांधी जी कहते हैं, सत्य ही ईश्वर है, ट्रूथ इज गॉड और गॉड इज ट्रूथ। हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। ईश्वर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। किसी नौकर को नहीं, किसी सेवक को नहीं या उत्तराधिकारी को नहीं, अपने एकलौते लाडला प्यारा पुत्र को भेजा जिससे हमें जीवन मिले, अपनत्व का अनुभव हो। आप अपना प्यार को प्रकट करने के लिए अपने खुद के हाथों से मिठाइयाँ, हारमाला, चित्रकला या ग्रीटिंग्स कार्ड बनाते हैं। वह आपका प्रेम और आपके साथ लगाव का एक चिन्ह है। इसलिए आप प्रेम पत्र लिखें जो सच्चा है और स्थिर रहता है। प्रेम के लिए सौदा ना करें, वो सौदा तो व्यापार है और व्यापार में प्रेम नहीं होता। तो हमारी पहचान है ईश्वरीय प्रेम जो सबको भाता और अपनाता है, वही है सच्चा प्रेम। ठीक इसी प्रकार आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। मतलब पिता ने पुत्र को प्रेम किया, पुत्र ने हम मनुष्यों को प्रेम किया और हम मनुष्यों को दूसरों को प्यार करने की आवश्यकता है। हम जिसे पड़ोसी प्रेम कहते हैं, पड़ोसी प्रेम में
अपने पड़ोसी के किसी लड़की या लड़का को नहीं, किसी के पति या पत्नी को नहीं, लेकिन पूरे मानव जाति को प्रेम करना सिखाती है, जैसे प्रभु ने किया, मदर टेरेसा ने किया है। प्रभु कहते हैं, मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है। हमें अपना गुरुजन, माता पिता, अपने से बड़ों का आदर करना अनिवार्य है। पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप का दिल ना जीत सके तो वह जीत हार के समान है। इसलिए प्रभु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। वक्त और हालत रोज बदलते हैं। एक मेरे दोस्त या यार ही है जो हर हाल में मेरा साथ देते हैं। भाइयों बहनों, क्यों हम अपने दोस्तों पर माँ बाप भाई बहन से ज़्यादा विश्वास और भरोसा रखते हैं? खुलासा, मौज मस्ती, हर चीज़ उनसे मिलती है, जैसे प्रभु हम सबों से चाहते हैं। हमारी दोस्ती वैसे ही हो, बिना डर, बिना भय के, ना कि किसी मालिक या सेवक के समान, ना ही थप्पड़ और डंडे इत्यादि लगाकर। भाइयों, प्रभु ने अपना कर्तव्य समझकर या दबाव में आकर प्यार नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो प्यार महसूस किया अपने पिता से, यह प्रेरणा उन्हें मिली थी। हमें भी यही प्रेरणा मिलती है। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 14 पद संख्या 8 में, यदि हम जीते रहे हैं तो हम प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मरते हैं तो हम प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के लिए ही हैं। आज हम लोगों ने जो सच्चे दोस्ती या यार का पाठ सुना है, वह दुनियादारी की दोस्ती नहीं है कि चलो, प्रभु का वचन तो दोस्तों के झुंड में खो जाने के लिए कहता है। इसलिए हम इस लॉकडाउन में भी दोस्तों के साथ मौज मस्ती करें, बियर बार और दारू भट्टी में फिर से मिले। नहीं मेरे दोस्तों, हमारी दोस्ती उससे है जो हमारी हर दुख, हर तकलीफों को समझ सके, हमें अपना मान सके। यदि हम चल रहे हो तेज बारिश में, फिर भी पानी में से आंसू पहचान सके, हमें अपना मान सके, अपना जान जोखिम में डाल सके, उसकी ज़रूरत है हमें, तभी हम ईश्वर के आनंद में भागीदारी बनेंगे। आइए हम कुछ देर मौन रहे और यह कामना करें कि हमें भी यीशु के समान जीने की तमन्ना, मनोबल और मनोकामना मिलती रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।